कोई भी बोल सकता है, हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है कि सर वालों को बोलना है, जवान को बोलना है, ऐसे बोलना है, उसको बोलना, कोई भी बोले, कोई भी इंसान बोल सकता है। बोलना है तो बताइए, कुछ आप बताएं तो कैसे आप क्या बता रहे थे? आपको पेपर लीक मामले पे कुछ बोलना था? पेपर लीक का मामला, पेपर तो करवा के धन उगाही होती है ना, जब भी पेपर होता है लीक हो जाता है, जब भी पेपर होता है लीक हो जाता है, कोई भी चीज हो लीक हो जाता है ना। तो लीक करने वाले और लीक कराने वाले, हमें तो लगता है सर इसमें धन उगाही करते हैं लोग, बहुत करते हैं। हाँ, धन उगाही के लिए पेपर कराते हैं और पेपर लीक करवा देते हैं। बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं आप? हम तो यही सुल्तानपुर से रहने वाले। बिहार से आप बता रहे थे, बाहर बिहार से आए हैं? नहीं नहीं, देहात से आए हैं, देहात से आए हैं। अच्छा, और यहाँ पे देहात में, सदर में तो हालत सो लोग बताते हैं, सदर में अभी तो काम धाम हो रहा है और देहात में अभी तक काम वाम शुरू नहीं हुआ है। बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है, विकास हो रहा है उधर। हाँ, पूरा शिक्षा में आप देख लीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था। कोरोना में 40 लाख लोग मरे हैं और 4 लोग का आंकड़ा देने में सरकार की पड़ती है। अरे यार, स्वास्थ्य में तो ये बात हो गई और शिक्षा में आप देख ही रहे हैं, पेपर करा के पेपर लीक, के पेपर करा के पेपर लीक, ये तो धन उगाही करने का एक जरिया बन गया है सर। अगर आप दूर दूर से अगर आप सोचेंगे कि कितने पेपर हुए और कितने लीक हुए, तो आप देखेंगे सर, यकीन करेंगे आप कि हाँ, हो सकता है कि धन उगाही इसमें होती हो। क्योंकि एक बार पेपर करा के अगर लीक हुआ हो तब तो हम माने कि चलो भाई हो गया, चलो भाई हो गया, लेकिन पेपर हुआ लीक, पेपर हुआ लीक, क्या मतलब? कब से हो रहा है, क्या कब से, कब से? आप तो जानकार हैं। अरे हमको क्या, हम नहीं, 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 ऐसा मत कहिए, ऐसा मत। दसियों साल, पचासों साल से हो रहा है, हम ही जानकार नहीं है। अच्छा, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और रोजगार के मामले में 2 करोड़ नौकरी आ गई भैया, हमारे यहाँ कोई बेरोजगार नहीं। हाँ, 2 करोड़ नौकरी आ ही गई। आप गहरा मार रहे हैं चाचा, अधिकारी लोग आप सबसे गहरा वाला मार रहे हैं। अधिकारी लोग घर घर में घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया कोई बेरोजगार तो नहीं है। इतना रोजगार आ गया, इतना रोजगार आया है, जो 20,000 रुपया कमाता था व्यक्ति, 5,000 रुपये कमा रहा है, सब्जी खरीदने के लिए सोचना पड़ता था। अब सब्जी खरीदने के लिए सोचना पड़ रहा है कि अब सब्जी कैसे खरीदेंगे। अच्छा, 20,000 वाला 5,000 पे आ गया है। बच्चे घर के जो 20,000 लोग कमाते थे, गार्जियंस लोग अगर 20,000 रुपए कमाते थे तो 100-200 रुपए तो बच्चे ऐसे यूं में निकाल लेते थे रेजकारी वाली जेब से। कोटा वाला राशन भी तो नहीं चलता चाचा, कोटा वाला राशन भी तो बिक रहा है सर। कोटा वाला राशन अगर बिक रहा है तो भुखमरी में भारत की स्थिति आप जान रहे हैं, भूखमरी में भारत की स्थिति अव्वल है भैया। आप पांच आप आंकड़ा उठा के सर देखिए, आंकड़ा उठा के देखिए। वो सुदामा प्रसाद यादव, क्या करते हैं सुदामा जी? मैं दूध बेचता हूँ सर, दूध बेचता हूँ और भूखमरी में भारत का हिसाब किताब अव्वल दर्जे पर है। वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक आया था, उसकी बात कर रहे हैं वो? आप लोग पूछ रहे थे कौन सा डाटा, मुझे पता है, लेकिन वो ग्लोबल वो हंगर इंडेक्स का मतलब 4-5 जगह पैसा लेना है, वो ले, हमको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है सर, सुदामा जी प्रणाम प्रणाम सर।